If you leave, baby, let me throw this phone. कैसे हो आप सब, मेरा नाम रणवीर चौहान, आप देख रहे हैं टेकर्स के। स्वागत है आपको मेरे अनदर वीडियो में। तो गाइस अपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक न्यू ट्रेंडिंग रील्स व्हाट्सएप पे वीडियो देखा होगा, उस तरह के स्टेटस वीडियो आप उन्हें पिक्चर या कपल इमेज पे कैसे बना सकते हो। तो गाइस आज मैं उसी का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया, तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि वैसा आप स्टेटस वीडियो अपने पिक्चर्स या किसी के भी पिक्चर्स पे कैसे बना सकते हो। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ लाइक प्रेस करिए ताकि हमें सर्विस मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस उस तरह का वीडियो चाहिए कि हम अपने कैनवास एप्लीकेशन बनाने वाले। तो गाइस हमने यहाँ पर कैनवास एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। सिंपल से प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना, 9:16 से यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना। और देन गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग में आना, एडिटिंग में आना, सिंपल से फुल स्क्रीन कर लेना है। यहाँ पर कट कर लेंगे, देन इमेज में जाएंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और गाइस इसका थोड़ा सा खींच के हम बड़ा कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं जो भी मटेरियल यूज करूँगा सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ पर टैप कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा जो है कि यहाँ का मटेरियल्स मैं वहीं पर प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो गाइस सिंपली से आपको क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेते हैं। लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और गाइस यहाँ पर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो। तो गाइस हम उसको जो है कि ऐड यहाँ से कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर हमने जो कि वीडियो ऐड कर लिया ब्लैक स्क्रीन वाला, तो गाइस कुछ इस तरह से इसको टैप करके ऐसे आपको बड़ा कर लेना होगा। हल्का स्लाइड करके आप ऊपर आइएगा और आगे आने के बाद आपको गाइस एडजस्टमेंट में आना है। हल्का सा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना, कम से कम 50 यहाँ पर कर लीजिएगा आपको जितना अच्छा लगे। और गाइस इसका आपको सेचुरेशन को भी आपको जितना अच्छा लगे आप उतना बढ़ा लीजिएगा। एंड यहाँ पर हम जो है कि थोड़ा सा कट करने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे ही एंड होता है तो हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, देन इसको भी हम कट करके यहाँ से इसको हटा देंगे। देन गाइस यहाँ पर आपको जैसा भी इमेज यूज़ करना हो, अपना इमेज, फ्रेंड का इमेज, कपल इमेज, जो भी यूज़ करना है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। गाइस सिंपली से आपको मीडिया में चल जाना, मीडिया में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम करीब 4 से 5, 5-6 पिक्चर्स आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। सो गाइस तो यहाँ पर हमने जो कि पिक्चर्स ऐड कर लिया, तो गाइस यहाँ पर हमने पिक्चर्स ऐड कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पर हम टैप कर लेते हैं, टैप करके यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे और गाइस इसको आपको यहाँ लाइटन या स्क्रीन आपको जो भी करने का मन है आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर फिलहाल अभी स्क्रीन कर लेते हैं। देन गाइस इसको आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है, स्लाइड करते हुए यहाँ पर आपको नीचे ले आना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, फिर से यहाँ पर लेयर में जाना, मीडिया में जाना और गाइस यहाँ से हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं शैडो इफेक्ट को। तो गाइस वो शैडो इफेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, सिंपली से ऐसे कर लेना है, थ्री डॉट ऑप्शन पे टैप करना, सेंड टू बैक कर देना। देन गाइस इसको बड़ा ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं और गाइस इसको खींचते हुए पूरा एंड तक ऐसे हम फुल में फैला लेंगे। तो फुल में इस तरह से फैला लेना है। फैला लेने के बाद अब गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिक्चर को एडजस्ट करेंगे सॉन्ग के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से कट कर लिए, फिर दूसरा यहाँ पर हमारा टेक्स्ट शुरू होगा, दूसरा टेक्स्ट, फिर यहाँ पर तीसरा टेक्स्ट हमारा शुरू हुआ। तीसरा और देन यहाँ पर चौथा। तो हमने यहाँ पर चार ही पिक्चर में जो कि ऐड यूज़ कर लिया, आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा। देन यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं और गाइस एक्स्ट्रा यहाँ पर पिक्चर्स को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर एक और ब्लैक स्क्रीन जो है कि हम यहाँ पर इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और गाइस स्लाइड करते हुए हम अपना फाइल्स जो है कि यहाँ पर ऐड कर लेते। तो आपको गाइस ये इफेक्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहीं से जाकर इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो इस तरह से हमने जो कि ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर पार्टिकल्स को भी ऐड कर लिए, सिंपली इस तरह से इसे बड़ा करना है, ऐसे रोटेट करना है, देन इसको इस तरह से बड़ा कर लेना। और गाइस यहाँ पर इसका म्यूजिक को पहले आपको म्यूट कर लेना है और गाइस यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग में जाना और इसको स्क्रीन कर लेना है। और स्क्रीन कर लेने के बाद इस पर आपको टैप करना, थर्ड ऑप्शन पर टैप करना, सेंड टू बैक कर देना, फिर इस पर टैप करना और गाइस यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाना है और इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आप इस पर आपको टैप करना और इसको आपको मन कर रहा है यदि लाइटन करने का तो आप इसको लाइटन कर लीजिएगा। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर हम इफेक्ट्स डालेंगे,
है तो इफेक्ट डालने के लिए पिक्चर पर टैप करना है, क्लिप ग्राफिक में जाना है और गाइज आपको काइंड मास्टर के सीट स्टोर में फोटो स्प्रेड वाला आपको जो है कि इफेक्ट मिल जाएगा। सिंपलेस्ट इस पर आपको डाउनलोड कर लेना है, हमने डाउनलोड करके कहा इस पर टैप कर लेना है। ओपनिंग वन पर हमें टैप करना है और यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट में आएगा, तो टाइटल टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर इस तरह से जाना है, यहाँ पर एक हार्ट ले लेना है, एक हार्ट, फिर यहाँ पर भी एक हार्ट लेना है। ये हार्ट लेने से जैसे कि यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो टेक्स्ट भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ हार्ट ही डाल सकते हो। तो इस तरह से हम सारे में ऐसे टैप करेंगे, क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, इस पर जाएंगे और इसी तरह से हार्ट्स ले लेंगे। तो गाइस सब पे हम इस तरह से क्लिप ग्राफिक, आप हार्ट ले लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा फिर वीडियो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्लिप ग्राफिक में ऐसे जाएंगे, इसमें जाएंगे और गाइस फिर से इसमें जाएंगे, यहाँ पर इमोजी में सेलेक्ट करना है एक हार्ट, फिर दूसरा में यहाँ पर हम जाएंगे, फिर से दूसरा में एक हार्ट, ऐसे करके आपको सारे में ऐड कर लें। तो गाइस ज़्यादा भी नहीं, तो थोड़ा मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि आधा अधूरा आपने बताया। तो यहाँ पर मैं सब में कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब पिक्चर्स में इस तरह से हार्ट लेते हैं, एक ही दो और बचे हैं। तो यहाँ पर हम इसमें भी एक हार्ट लेते हैं, फर्स्ट में एक हार्ट ले लिए। आपको जो भी इमोजी मन करे या अपना नाम भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, या अपने जो पार्टनर्स का नाम, दोनों का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पर हमारा जो कि म्यूजिक जो है कि म्यूजिक आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स में ही म्यूजिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर म्यूजिक को म्यूट कर देते क्योंकि हमें कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, इसलिए म्यूजिक को म्यूट कर देते। वीडियो का एक बार प्ले करके दिखलाते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितना ही रोमांटिक जो है कि इस तरह का स्टेटस आप अपने मोबाइल फ़ोन से आराम से बना सकते हो अपने पिक्चर्स या कपल पिक्चर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, सिंपली से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे चल जाते हो गाइस, फुल एचडी 1080 पिक्सल पे रेजोल्यूशन को सेट करके सिंपली सेव पे टैप कर देना है, देन गाइस वीडियो एक्सपोर्ट होकर आप गैलरी में चला जाएगा। सो आई होप गाइस ट्यूटोरियल वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस इस तरह के इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा हम अपने चैनल पर लाते रहते। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।